गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं व्यास धवल फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के आपके वीडियो लेक्चर में। ओके, जो हम हमारा चैप्टर था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, तो सो आज हम हमारा टॉपिक लेंगे इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्केव मिरर। आज का टॉपिक क्या है? इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्केव मिरर। सो इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग बोर्ड एग्जाम पर्पस। इट इज़ वेरी आईएमबी and the question asked from the this topic is like 3 marks, 3 mark का question, 3 marks जो के जो question जो है इसके अंदर से आते हैं। ओके, एंड कैसे कैसे question आएंगे, how the question asked in exam, I will tell you in this video। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे image formation through concave mirror। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए? वी नीड वन कॉन्केव मिरर। तो देखो, हम यहाँ पे कॉन्केव मिरर ड्रॉ करेंगे। ओके, ये हमने मिरर ड्रॉ कर दिया। अब हम देखेंगे कि व्हेन मिरर ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या ड्रॉ करनी है? तो ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैंने बताया था व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पोल। पासिंग थ्रू द पोल, ये हो गया पोल। ये एम और ये एम डैश। एम और एम डैश क्या है? हमारे अपर्चर है। क्या है? अपर्चर ऑफ द मिरर, अपर्चर ऑफ द मिरर। नाउ अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। हमारे पास क्या है? एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। कहाँ पर है वो? इन्फिनिटी है। तो अब समझो कि अगर वो इन्फिनिटी है और ये हम क्या पहले क्या ड्रॉ कर लेंगे, एफ फोकस पॉइंट और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो याद रखना फोकस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते थे? एफ। क्या बोल रहे थे? एफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू 2f इज इक्वल टू आर। कैसे? देखो ये रेडियस जो है ये क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस, उसे हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ। अगर हम फोकल लेंथ को डबल करेंगे तो हमको क्या मिलेगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो इट इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। 2f इज इक्वल टू आर, 2f इज इक्वल टू आर। ये क्या है? एक इक्वेशन है। क्या है? इक्वेशन। नाउ समझो कि कोई रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से कैसे आ रहा है? पैरेलल आ रहा है। कैसे आ रहा है? पैरेलल आ रहा है। ये पैरेलल रे आ गया प्रिंसिपल एक्सिस से। ओके, नाउ आफ्टर द रिफ्लेक्शन, आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो पास कहाँ से होगा कि ओके वेन एवर द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट रेज होते हैं, चाहे आप ऊपर ड्रॉ करो चाहे आप नीचे ड्रॉ करो, वो पास कहाँ से होते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन? फोकस में से। कहाँ से पास होंगे? फोकस में से पास होते हैं। कहाँ से पास होते हैं? फोकस में से। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट रेज होगा वो पास कहाँ से होगा? फोकस में से। कहाँ से पास होगा? फोकस में से। तो इसको नोट कर लेंगे एक एक नंबर करके। क्या नोट करेंगे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस पॉइंट। मतलब सबसे पहले हमने क्या सीखा कि इसको हम बोलेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल।
क्या बोल सकते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हम सेकंड देखेंगे, सेकंड में हम देखेंगे कमिंग थ्रू द फोकस पॉइंट। ये मिरर हमारा बन गया। बच्चों ये चीज करना कभी नहीं भूलना, अगर आप ये नहीं करोगे तब के मार्क्स कट जाएंगे, ओके। और ये एम एम डैश अपर्चर, ये पोल, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा एफ, और ये होगा हमारा सी। नाउ हमने क्या देखा है, हमने क्या बोला है कि व्हेन द लाइट इज कमिंग थ्रू द फोकस पॉइंट, लाइट रे कहाँ से एंटर होगा, फोकस पॉइंट से। तो देखो अगर वो फोकस पॉइंट से एंटर होगा, देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो पास कहाँ से होगा, इट इज़ पास थ्रू पैरेलल द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। इसका उल्टा यहाँ पे होगा कि अगर लाइट का रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो पास कहाँ से होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में से। अगर लाइट का रे जो है वो कमिंग थ्रू द फोकस पॉइंट, अगर वो फोकस पॉइंट में से इंसिडेंट हो रहा है, देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट इज़ पास पासिंग थ्रू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम थर्ड देखेंगे, क्या देखेंगे, थर्ड वन, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, पहले सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक मिरर, बन गया हमारा मिरर, चलो बच्चों ये हमने क्या बना दिया, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमने बना दिया एफ। अब इसको आगे भी कर सकते हो, यू कैन एक्सटेंड इट जस्ट लाइक दैट, ओके। ये हो गया हमारा सी, क्या हो गया सी। अब हम हमारा जो इंसिडेंट रे वो कहाँ से पास होगा, सी में से पास होगा, कहाँ से पास होगा, सी में से। देखो तो हम सी में सारा इंसिडेंट रे पास करेंगे ऐसे, यू कैन यूज स्केलर, ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे सी में से पास। वेन एवर द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट पास इट बाय इट्सेल्फ। अगर सी में से कोई इंसिडेंट रे इंसिडेंट होता है तो वो अब अगेन आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो सी में से ही वापस जाता है। कहाँ से वापस जाएगा, अगर वो सी में, सी से इंसिडेंट हुआ है, वो सी में से आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आ रहा है, देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो वापस भी सी में से ही जाएगा। बच्चों ये एरो जो है हमने यहाँ पे दिखा है, जितने भी एरो यहाँ देखो ये है, ये डायरेक्शन दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, डायरेक्शन ऑफ रे, डायरेक्शन ऑफ लाइट रे दिखाते हैं, ओके। कि अगर आप ऐसे लाइट का रे की डायरेक्शन में दिखाओगे, ये एरो क्या दिखाता है कि ये जो ये रे जो है इट इज़ अ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट इज़ पासिंग थ्रू द फोकस पॉइंट एंड द पाथ इज लाइक दैट। जो ये एरो जो है वो पाथ दिखाता है, क्या दिखाता है, पाथ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर, इट इज़ अ पाथ ऑफ द लाइट रे एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन द लाइट इज गोइंग थ्रू लाइक दैट, ओके। नाउ फोर्थ हम बात करेंगे, लास्ट, एट इंसिडेंट एट सम एंगल, इंसिडेंट एट सम एंगल। सबसे पहले अगेन
ये हमने कॉनकेव मिरर बना लिया। ये इट्स अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ आर मिरर। पोल देखो यहाँ रह गया पोल एम एम डैस। बच्चों अगर हमसे गलती होती है तो आपसे भी हो सकती है, तो ये ध्यान रखना है आपको एग्ज़ाम में। नाउ अब हमारा जो लाइट का रे है ना वो पैरेलल आएगा, ना वो एफ मैसेज आएगा और नॉट इट कैन पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज़ इंसिडेंट ऑन द सम एंगल। ओके ये लाइट का रे जो है वो एंगल से इंसिडेंट हो रहा है, कोई इट सम एंगल, ये क्या हो गया कोई एंगल से इंसिडेंट हो रहा है ना। हियर हियर वी आर कैन रिमाइंड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल बोथ आर सेम थीटा आर। ये हमने पढ़ा था कि लाइट का रे जो है वो जितने एंगल से आता है उतने ही एंगल से वापस रिफ्लेक्ट होगा, क्या होगा रिफ्लेक्ट होगा। अगर कोई लाइट का रे जो है इफ़ देर इज़ एनी रे ऑफ लाइट इज कम इंसिडेंट ऑन द मिरर वाया एंगल और थ्रू द एंगल, इट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द सेम एंगल, इट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द सेम एंगल। ओके नाउ अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने चार चीज़ सीखी, सबसे पहले क्या सीखा था हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस में हमने क्या देखा कि व्हेन द लाइट रेज इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब लाइट की रेज जो है वो इंसिडेंट होती है तब वो क्या होगा आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट इज़ पासिंग थ्रू द फोकस पॉइंट। देखो ये आप दिखा सकते हो यहाँ से या नीचे से भी आप दिखा सकते हो ऐसे। सेकेंड हमने क्या देखा कमिंग थ्रू द फोकस पॉइंट, कमिंग थ्रू द फोकस पॉइंट, कमिंग थ्रू द फोकस पॉइंट। अगर लाइट का रे जो है इट इज़ इंसिडेंट थ्रू द फोकस पॉइंट, अगर वो फोकस पॉइंट में से पास होता है व्हेन इट इज़ पास थ्रू द फोकस पॉइंट एंड देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट इज़ पास थ्रू द वाया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर फोकस पॉइंट में से हमारा लाइट का रे जो आता है तो वो कहाँ से पास होगा वाया आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फिर हमने थर्ड में क्या देखा पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एंड ऑन द थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, के जब भी कोई लाइट का रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, कहाँ से पास होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वापस भी वहीं से जाएगा ना कि पैरेलल जाएगा ना कि एफ में से जाएगा ना यहाँ कहीं और जाएगा, जहाँ से लाइट का रे आया है वो वहीं से वापस जाएगा। तो इट इज़ अ वेरी ईजी थिंग टू रिमाइंड कि अगर सी में से कोई रे पास होता है तो कहाँ से वापस जाएगा सी में से ही वापस जाएगा। तो चौथी चीज़ है इंसिडेंट एट सम एंगल, इंसिडेंट एट सम एंगल, कि अगर हमारा लाइट का रे जो है वो किसी एंगल से इंसिडेंट होता है, कैसे इंसिडेंट होगा एंगल से इंसिडेंट होता है तो वापस कैसे जाएगा वो सेम एंगल से ही वापस जाएगा, ना कि वो पैरेलल जाएगा ना कि कहीं और जाएगा। तो बच्चों हम चार चीज़ों का यूज़ करके हम क्या सीखेंगे आज इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर, हम क्या सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर। ओके सो फ्रेंड्स हियर इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर, तो ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि इसमें आपको तीन चीज़ फाइंड करने, कितने तीन चीज़ फाइंड करनी है। पहला नेचर, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज के उसका नेचर कैसा है, वर्चुअल है या इरेक्ट है, वर्चुअल है या इरेक्ट, इस दो नेचर होते हैं वर्चुअल और इरेक्ट। मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ वर्चुअल, कि जिस इमेज को हम स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते इट इज़ कॉल्ड एन वर्चुअल इमेज, एंड जिस इमेज को हम स्क्रीन के ऊपर कैप्चर कर सकते इट इज़ कॉल्ड एन इरेक्ट इमेज, क्या किसे क्या बोलेंगे इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्या बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट, सॉरी यहाँ पे एक हम इरेक्ट यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे हम बोलेंगे वर्चुअल और रियल इमेज, क्या बोलेंगे रियल, वर्चुअल और रियल, क्या बोलेंगे वर्चुअल और रियल, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। ओके
अब पोजीशन कि वो कहाँ पर है, वेयर इट इज़, आपको वो बताना है वेयर इट इज़ कि वो कहाँ पे फॉर्म होगी, वेयर इट इज़ फॉर्म, वेयर इट इज़ फॉर्म एंड साइज़, आपको साइज़ बतानी है, स्मॉल, लार्ज और सेम एज और सेम एज, ओके इतनी चीज़ें। चौथी चीज़ एंड फोर्थ वन इज़ रे डायग्राम, आपको क्या बनाना है, रे डायग्राम। रे डायग्राम इज मोस्ट आईएमपी थिंग, रे डायग्राम इज आल्सो मोस्ट आईएमपी थिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो इसे बोलेंगे रे डायग्राम, ये जो हमने बनाया है इसे क्या बोलेंगे, रे डायग्राम, ओके। तो आपको कितनी चीज़ें याद रखनी है, आपको आपको खाली क्वेश्चन में क्या क्या दिया जाएगा, सबसे पहले हम आपको हम ये सीखेंगे कि इसके अंदर से क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, हाउ द क्वेश्चन आस्क फ्रॉम द दिस टॉपिक, ओके। तो नंबर वन, गिवन, गिवन में क्या क्या रहेगा, ओनली वन थिंग इज देयर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वो आपको बोल देंगे कि आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है, ओके। देन यू कैन फाइंड नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड ड्रॉ रे डायग्राम, एंड ड्रॉ रे डायग्राम, ओके। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे आपको मालूम चलेगा कि इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन हम पूछे जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट, द फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट एट, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, एट इन्फिनिटी। सो तो इट इज़, ये क्या हो गया हमारा पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैं जो भी लिखूँगा नंबर के बाजू में, इट्स एन पोजिशन ऑफ इमेज, वो क्या होगा, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। तो हमारा ऑब्जेक्ट का पोजिशन कहाँ है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ओके। चलो सबसे पहले हम अगेन क्या बना देंगे, एक ये क्या हो गया हमारा, कॉनकेव मिरर हो गया। देखो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप ये नहीं करोगे तो कितने मार्क काटेंगे, ओके। वो एक मार्क भी काट सकते हैं, वो आधा मार्क भी काट सकते हैं, वो दो मार्क भी काट सकते हैं, बट हम उनको मौका क्यों देंगे काटने का, हम उनको हम सब कुछ लिख के आएंगे, ओके। ये हो गया पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमारा एपर्चर, और ये हो गया हमारा एफ फोकस पॉइंट, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर, इन्फिनिटी, तो हमको ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखेगा, दिखेगा नहीं, हमको ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखेगा नहीं। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो लाइट रेस कहाँ से आएंगे, उसके उसमें से जो रेस निकलेंगे वो कहाँ कैसे आएंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कैसे आएंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एंड नाउ हम इसका यूज़ करेंगे, देखो हमने क्या सीखा था कि प्रिंसिपल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के, व्हेन द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज आफ्टर द देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट इज पासिंग थ्रू द फोकस पॉइंट, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासिंग थ्रू फोकस पॉइंट। अभी पैरेलल आ रहे हैं, हम यहाँ पे दो ड्रॉ कर सकते हैं, यू कैन ड्रॉ इट ट्वाइस। चलो अब ये हम क्या करेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा इसका, रिफ्लेक्शन एंड्रॉइड ओके। तो हमारी इमेज कहाँ मिलेगी, यहाँ देखो एरो करना आप भूलना नहीं, बिकॉज इट शोज द डायरेक्शन ऑफ रे, एरो क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ रे, कि हमारा रे जो है वो कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, साइज क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे साइज, साइज क्या थी, वेरी डिमिनिश्ड, वेरी डिमिनिश्ड, हमारी साइज क्या थी, हाँ वेरी डिमिनिश्ड, वेरी डिमिनिश्ड का मीनिंग क्या है, मतलब काफ़ी छोटी, कैसी थी, काफ़ी छोटी, ओके। नाउ अब हमारी इमेज की नेचर क्या लिखेंगे हम, नेचर ऑफ इमेज, तो हमारा नेचर था रियल एंड इन्वर्टेड, क्या था,
रियल एंड इन्वर्टेड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड? इन्वर्टेड का मीनिंग क्या है? वो इमेज कैसे मिलेगी? उल्टी, रिवर्स कैसे मिलेगी? सपोज कि ऑब्जेक्ट ऐसे होगा तो हम सपोज यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ऐसे होगा तो रिवर्स में कैसे मिलेगी हमको? ऐसे ही उल्टी मिलेगी. कैसे मिलेगी? उल्टी. ओके नाउ एंड वो कैसे होगी? इट इज़ अ रियल. एंड पोजिशन ऑफ इमेज वो कहाँ मिलेगा हमको? एट फोकस पॉइंट. एट फोकस पॉइंट. तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी. अगर आपको ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी. तो आपको उसका आपको क्या लिखना है? साइज लिखना है, नेचर लिखना है एंड पोजिशन ऑफ इमेज लिखना है एंड ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर इट. वेरी डिमिनिश्ड और यू कैन राइट हाईली डिमिनिश्ड. नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड. पोजिशन क्या है? एट फोकस पॉइंट. कहाँ मिलेगा हमको? एट फोकस पॉइंट. नाउ वी कैन मूव ऑन द सेकेंड. बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो अब हम देखेंगे कि अगर बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो हमको हमारी इमेज कहाँ मिलेगी? अब हम वो देखेंगे. चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ कॉनकेव मिरर. पोल एम एम डैश ये हमने क्या बना दिया? प्रिंसिपल एक्सिस. हमने क्या बनाया? प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ यहाँ पे हम फाइंड देंगे एक एफ. यहाँ देंगे सी. क्या बोलेंगे? सी. यू कैन एक्सटेंड डेटा. आप अपने फिगर के हिसाब से उसको एक्सटेंड कर सकते हैं. चलो नाउ हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट यहाँ पर है. कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट इज लाइक हियर. तो एक लाइट का रे जो है वो कहाँ से पास होगा? सी से पास होगा. कहाँ से पास होगा? सी से पास होगा. ओके हमने क्या देखा था कि व्हेन द लाइट रेस इज पासिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो कहाँ जाएगा? आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो उसके अंदर से ही वापस जाएगा. और दूसरा लाइट का रे जो है इट इज़ पासिंग थ्रू द पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस. इट इज़ पासिंग थ्रू द पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट इज़ पासिंग थ्रू द फोकस पॉइंट. इट इज़ पासिंग थ्रू फोकस पॉइंट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेट दिस इज द पॉइंट. ये पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों रे क्या हो रहा है? कट हो रहे हैं. क्या हो रहा है? कट हो रहे हैं. ओके तो मीट हो रहे हैं यू कैन से इट. तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट इमेज मिलेगा. क्या मिलेगा? इमेज. ये ए बी क्या था? हमारा ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ऑब्जेक्ट कहाँ था? बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे. तो हमने क्या किया? एक लाइट का रे जो हमने कहाँ से पास किया? पैरेलल पास किया. देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट इज़ पासिंग थ्रू द फोकस पॉइंट. इट इज़ पासिंग थ्रू द फोकस पॉइंट. वो कहाँ से पास हुआ? फोकस पॉइंट से पास हुआ. ओके और एक लाइट का रे जो है हमने कहाँ से पास किया? सी से पास किया. सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया. कहाँ से पास किया? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया. अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया तो वो वापस भी कहाँ से जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा. अब ये जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट होते हैं इट इज़ अ पॉइंट व्हेन द बोथ द रेज आर इंटरसेक्ट ईच अदर. ओके तो यहाँ पे हमको हमारा इमेज मिलेगा. क्या मिलेगा? इमेज ए डैश बी डैश. तो चलो हम बात करेंगे साइज. इसकी बात करेंगे साइज. साइज के साथ साथ हम बात करेंगे नेचर. और साइज की बात करेंगे, नेचर की बात करेंगे और किसकी बात करेंगे? पोजीशन ऑफ एन इमेज. पोजीशन ऑफ एन इमेज. चलो साइज क्या था? डिमिनिश. साइज में क्या लिखेंगे? डिमिनिश्ड. क्योंकि छोटा है कैन राइट इट स्मॉल. नेचर आप देख सकते हो वो कैसा है? रियल है और इन्वर्टेड उल्टा है.
So it can inverted real and inverted position of an image, वो हमको मिला between C and F, between C and F, between C and F. Now हम third के ऊपर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, third के ऊपर. तो सबसे easy वाला third वाला है, सबसे easy वाला जो है वो third वाला है. ओके, तो इसमें हम कैसे देखेंगे, देखो अब कहाँ पे आएगा, एट सी, कहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट एट सी. यू कैन राइट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर. सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक हमारा अगेन हर एक में एक कॉनकेव मिरर तो ड्रॉ करना ही है, कॉनकेव मिरर ड्रॉ करना ही है. मैं थोड़ा लंबा ड्रॉ करते हैं, चलो ऐसे. यू कैन यूज राउंडर, पेंसिल, स्केल, रबर. Now P principal axis, क्या हो गया principal axis. अब हम बात करेंगे light के rays की, किसकी बात करेंगे, light के rays की. Again हम क्या करेंगे, हमारा object जो है वो कहाँ पर है, at C, कहाँ पर है, at C. अगर ये C है तो ये क्या हो गया F, क्या हो गया F. Now one ray of light is passing through the parallel to principal axis and after the reflection it is passing through the focus point. चलो अब दूसरा कहाँ से पास करेंगे, फोकस से पास करेंगे एंड आफ्टर दैट तो यहाँ पे सेम. चलो देखो ये रहा जो मीटिंग पॉइंट है, एक्चुअली ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा. ओके, तो आप लोग देख सकते हो हमने क्या किया, एक लाइट का रे जो है हमने पास किया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट इज़ पासिंग टू द फोकस पॉइंट. और दूसरा हमने लाइट का रे कहाँ से पास किया, फोकस पॉइंट से पास किया एंड देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट इज़ पासिंग टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अब हम क्या देखेंगे, साइज, साइज देख सकते हो आप, सेम साइज कैसा रहेगा यहाँ पे, सेम साइज कैसा रहेगा, सेम. नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड पोजिशन वेरी इजी एट सी, पोजिशन अगेन कहाँ मिलेगी, एट सी. तो ये आज हमने कितना देखे, तीन देखे. क्या क्या देखा, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एट सी. क्या देखा, एट सी. ओके, तो आज हम ये तीन सीखेंगे और कल हम वापस हम और तीन सीखेंगे, कितने सीखेंगे और तीन. तो आज हमने क्या क्या किया, टॉपिक क्या था हमारा, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर. इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर के लिए आपको क्या सबसे पहले ज़रूरी क्या है, तो आपको ये सीखना है कि अगर लाइट का रे पैरेलल जाएगा तो कहाँ से पास होगा, फोकस में से इंसिडेंट होगा तो कहाँ से पास होगा, अगर वो कोई अगर वो सी में से जाएगा तो कहाँ से पास होगा, एंड इफ़ इट इज़ अ इंसिडेंट थ्रू द एंगल तो वो कहाँ से पास होगा. तो इन चारों चीज़ों का यूज़ करके, इन चारों चीज़ों का यूज़ करके हमने क्या क्या ड्रॉ किया, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर. तो आज हमने तीन तीन चीज़ देखी है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑब्जेक्ट एट सी. ओके, तो कल हम और भी तीन चीज़ देखेंगे. सो दोस्तों हैव अ गुड डे.